नमस्कार दोस्तों, मैं हूं त्रिदेव और मैं वापस आ गया हूं फिर आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें शेयर करने जो आप काफ़ी दिनों से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं दोस्तों, और आपकी प्रतीक्षा सब खत्म हुई। मैं आ गया हूं आप लोगों के सामने जीतेन लालवानी जी की इंटरव्यू लेके, और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ ही मिनटों में। और जाते जाते उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूँ कि दोस्तों, बहुत जन मुझे फिर कोई है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं दोस्तों कि थोड़ी सी प्रतीक्षा करें। कोई है इज़ अंडर रिव्यू राइट नाउ एंड हॉटस्टार अभी भी रिव्यू कर रही है सारे कंटेंट्स के, क्योंकि फिर कोई है में बहुत ज़्यादा कंटेंट्स थी और विकराल गबराल 44 एपिसोड की थी, वो जल्दी हो सकती है तो उसकी कोशिश मैं कर रहा हूं। क्योंकि दोस्तों अभी देखिए, कोई है कि जो एपिसोड है, जो एपिसोड में इधर उधर हुई है, उसकी जो इशू है वो अभी तक फिक्स नहीं हुई है, तो उसको लेके मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, हॉटस्टार के पीछे लगा हुआ हूँ। तो वंस वो हो जाए फिर मैं बाकी सब में ध्यान दे सकता हूँ। तो फिर कोई है कि इंटीग्रेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि वो कुछ ही दिन में हो जाएगी, लेकिन आई डोंट नो कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी और कब तक हो जाएगी, ये सब आइडिया मेरे पास है नहीं। नहीं, हॉटस्टार पे ही आएगी, आई एम श्योर अबाउट दैट, लेकिन कैसे आएगी, कब आएगी और डेट टाइम ये सब मुझे नहीं पता दोस्तों। थोड़ी सी वक्त लग सकती है क्योंकि उसमें बहुत सारे एपिसोड्स हैं और उसमें सीज़न 2-3 दोनों मर्ज हो गया है, तो थोड़ी सी वक्त लग सकती है, लेकिन विकराल गबराल बहुत जल्दी आ जाएगी दोस्तों, मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूँ। और बाकी रहा दूसरी एक दो सीरियल्स आने की चांसेस है, जो आई थिंक सोन परी एक है उसमें से, और आई थिंक और कौन सा एक शो था मेरे को याद नहीं आ रहा है, स्टार बेस्ट सेलर्स और अभी याद नहीं आ रहा है दोस्तों। मैं तीन शोज़ कंफर्म हुई है वो जल्द ही जल्द आने वाली है, तो ये आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा, जैसे ही वो आती है या कोई न्यूज़ मेरे को मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों और देर ना करके मैं आपको दिखाता हूँ जो कन्वर्सेशन हमारी हुई है जीतन लालवानी जी के साथ, वो इंटरव्यू मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है आपको बता दूँ पहले, तो इससे पहले मैं शुरू करूँ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी क्लिक करें, सो दैट मैं जो भी वीडियोस सेंड करूँगा या फिर अपलोड करूँगा वो इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से पहुँच जाएगी आपके फ़ोन पे ही, और आप इमीडिएटली उसको क्लिक करके वीडियो एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों मेरी वीडियो ज़्यादातर वीडियो प्रीमियर पे आती है, तो प्रीमियर को एंजॉय करें। और दोस्तों चलिए देखते हैं जीतन लालवानी जी के साथ हुई इंटरव्यू और कैसे उन्होंने सारे जवाब दिए हैं, चलिए देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं। थी जितेंद्र जी के साथ पूरी इंटरव्यू, और
अगली बार मैं ज़रूर दोस्तों कोशिश करता हूँ कि ए डे विथ मामिक सिंह वाली जो टॉपिक है वो मैं ज़रूर लेके आऊँगा और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और मैं काफ़ी टाइम से आपके सामने वो नहीं ला पाया। तो दोस्तों डोंट वरी, मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ उस वीडियो के साथ। और फिर कोई है और जो कुछ भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो आप मुझे मेल में लिख सकते हो तो मेरे को इजी होगी, मैं वो मेल को फॉरवर्ड कर दूंगा स्टार टीवी को। तो दोस्तों ये आप ज़रूर करें। और जो सीरियल्स की आप लिस्ट बना के अगर देते हैं, जो सीरियल आपको चाहिए तो उसकी अगर लिस्ट आप बना के देते हैं तो मैं उस चीज़ को डायरेक्टली फॉरवर्ड करूँगा हॉटस्टार टीम को। तो वो पॉसिबल है दोस्तों कि वो शायद से वो काम कर दे, लेकिन अभी तक जो कोई है कि इशू है वो अभी तक फिक्स नहीं हो पाई है जिसके पीछे मैं अभी लगा हुआ हूँ। तो दोस्तों उसकी वजह से अगर मेरे से कोई गलती हुई हो कि मैं किसी की कमेंट की जवाब नहीं दे पाया हूँ तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये थी जीतेन जी के साथ जो इंटरव्यू हुई थी उसकी इमेजेस आपके साथ शेयर कर दी है मैंने। तो अगली बार मैं मामिक जी के साथ जो एक्सपीरियंस हुई मेरी बहुत अच्छी, उनके साथ बातचीत भी मैंने की थी, इंटरव्यू भी ली थी, तो वो मैं सब दोस्तों लेके आने वाला हूँ। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें। मेरी फेसबुक, मेरी ट्विटर, मेरी इंस्टाग्राम सभी जगह पे मुझे फॉलो करें दोस्तों। और कोई भी रिक्वेस्ट या कोई भी क्वेश्चन होती है आप मुझे डायरेक्ट इस कोई भी प्लेटफॉर्म में मुझे लिख सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले वीडियो पे। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।